हेलो स्टूडेंट, आई एम अनूप सर, टीचर ऑफ सूरज स्कूल बाउल। स्टूडेंट हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 का सेकंड क्वेश्चन, नाइन्थ क्लास का ये क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इन फिगर? इस फिगर के अंदर देखिए आप, साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी ट्राइंगल नज़र आ रही है आपको डायग्राम के अंदर, इसमें ए बी साइड को प्रोड्यूस कर रखा है, ये ए बी साइड को प्रोड्यूस कर रखा है, और ए सी साइड, ये जो ए सी साइड है इसको भी प्रोड्यूस कर रखा है, आगे तक एक्सटेंड कर रखा है, बढ़ा रखा है। किस पॉइंट तक? इसको पी पॉइंट तक और इसको क्यू पॉइंट तक, पी और क्यू पॉइंट तक एक्सटेंड कर रखा है। ऑल्सो और दे रखा है एंगल पी बी सी जो है, ये जो पी बी सी एंगल है ये क्या है? स्मॉलर है किससे? एंगल क्यू सी बी से। तो ये वाला एंगल स्मॉलर है और ये वाला एंगल हमारे पास क्या है? ग्रेटर है। तो आपको बताना है कि ए सी क्या है, शो डैट, प्रूफ कीजिए ए सी ग्रेटर है किससे? ए बी के। ये जो ए सी साइड है आपके पास, ये इधर वाली साइड, इस साइड से क्या है? ग्रेटर है। ठीक है, तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 180 का होता है, इधर वाला एंगल हमारे पास एंगल पी बी सी मान लो 70 डिग्री का है, तो ये कितने का बच गया हमारे पास? 110 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये जो आपके पास सी एंगल है, ठीक है, ये ग्रेटर है इसे, तो ये ग्रेटर है, मान लो ये कितने डिग्री का हो गया आपके पास? 80 डिग्री का। तो ए सी भी कितने का आ गया हमारे पास भाई? ये स्ट्रेट लाइन होगी ए सी क्यू, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होगा ये हमारे पास कितने का बनेगा? दोनों का सम 180 आएगा। तो एंगल ए सी भी हमारे पास कितने का आ गया? 100 का आ गया। जब आपने देखा इस एंगल में ए बी सी में और ए सी बी के अंदर, तो इन दोनों एंगल के अंदर सी एंगल स्मॉलर है, बी एंगल क्या आ रहा है आपके पास? लार्ज एंगल आ रहा है। और आपको मालूम है ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? लॉन्गेस्ट। तो हमारे पास ग्रेटर एंगल क्या है? बी। तो बी के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? ए सी, जो हमारे पास क्या हो जाएगी? लॉन्गर साइड आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आपको समझना है ये क्वेश्चन। तो समझ आ गया होगा एग्जांपल से, अब देखिए इसको समझते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट किया 0, 1, 2, -1, ठीक है, -2, तो ये एक नंबर लाइन लगाई है मैंने। इस नंबर लाइन के ऊपर जब आप चेक करेंगे कि इधर की साइड, देखिए यहाँ से, और जब आप इस साइड जा रहे हैं राइट साइड की तरफ, तो आपके पास नंबर जो है वो ग्रेटर होते हुए जा रहे हैं। क्लियर? तो अब आपके पास एक तो नंबर है 1 और एक नंबर है 2, दो नंबर है। तो 1 और 2 के अंदर 2 ग्रेटर है किससे? 1 से। जैसे ही आप माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, दोनों साइड, तो हमने क्या किया? माइनस लगा दिया, माइनस का 1 और इधर भी क्या कर दिया? माइनस का 2। तो जैसे ही आपने माइनस का साइन लगाया, तो माइनस का साइन लगाते ही आपके पास क्या हो जाएगा भी? -1 ग्रेटर आ जाएगा। इधर देखिए, इधर की साइड जाएंगे तो हमारे पास ग्रेटर नंबर आते जाएंगे, तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर, और माइनस का 2 क्या हो जाएगा? स्मॉलर। तो ये जो साइन था ये हमारे पास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। -1 क्या है? ग्रेटर, और -2 क्या है? स्मॉलर। तो इस टाइप से देखिए हमने क्या किया, एंगल पी बी सी स्मॉलर है एंगल क्यू सी बी के, ये दे रखा है, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। तो जैसे ही आपने माइनस का साइन लगाया, तो माइनस का साइन लगाते ही ये जो लेस देन वाला साइन था ये किस में हो जाएगा? ग्रेटर देन में हो जाएगा। अभी आपके सामने ये बताया मैंने, एग्जाम्पल दिया है। और स्ट्रेट लाइन जब आप पी बी सी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए सी भी आ जाएगा। और 180 में से ये हो गया एंगल क्यू सी पी, ठीक है, क्यू सी बी, और जब इसको आप 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल बच जाएगा। कौन सा एंगल बच जाएगा? ए सी बी बच जाएगा। तो अब ए बी सी क्या है? ग्रेटर है। ए बी सी कैसा एंगल है? ग्रेटर एंगल है। तो ग्रेट ट्रायंगल के अपोजिट साइड हमारे पास क्या आ जाएगी भाई? ये एंगल हमारे पास कैसा है? ग्रेटर। ए बी सी ग्रेटर है किससे?
ए सी बी सी, तो ग्रेट ट्रायंगल की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, लार्जर आ जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड आ जाएगी, तो इसलिए ए सी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया किससे, ए बी से, और ये हमें क्या करना था, प्रूफ। साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल, लॉन्गर एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, लॉन्गर होती है। थैंक यू स्टूडेंट।